नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को सीबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे लेकर कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण पर कटाक्ष करने की ट्विटर पर सारा लिया है। दीपिका डिप्रेशन के अपने संघर्ष को लेकर काफ़ी मुकर रही है और अक्सर मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती रहती है। कंगना ने बताया कि हर कोई सुशांत को एक शराबी, ड्रग्स एडिक्ट और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में बताने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा कंगना रनौत ने उन सभी लोगों को लताड़ा जो कैसे सुशांत अब भारत में लोकप्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में अपना कोट शेयर करते हुए कंगना रनौत ने दीपिका पर एक अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है और उन्होंने लिखा, मेरी बात दोहराए, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को जनता ने उनकी औकात दिखा दी है। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय निधन के कुछ दिनों बाद दीपिका ने अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को संदिग्ध गवाहों, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के बयान के साथ केस डायरी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कंगना रनौत के अलावा कई अन्य बॉलीवुड सेलेब जैसे अक्षय कुमार, कृति सैनन और अन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई लोगों ने सीबीआई जांच की मांग भी की थी। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कई फैंस ने अभियान छेड़ रखा था। सुशांत के मामले में ईडी भी छानबीन कर रही है। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से भी कई घंटों तक पूछताछ की।